हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपहिल ड्राइविंग के बारे में, तीन टेक्निक्स कि जैसे स्लोप पे गाड़ी खड़ी होती है तो कैसे पिक करनी है। अभी आप देख ही सकते हैं गाड़ी स्लोप पे हमारी खड़ी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा तीन टेक्निक्स कि कैसे आप पिक कर सकते हैं। बाकी चलते हैं गाड़ी के पास। तो मैं बता दूँ आपको कि इसमें हिल होल्ड नहीं आता। बाकी आजकल कई गाड़ियों में हिल होल्ड आता है, जिसमें कि क्या है कि ब्रेक छोड़ने पे आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाती 3 सेकंड तक। तो उस प्रोसेस में आप आराम से पिक कर सकते हैं। लेकिन ये विदाउट हिल होल्ड वाली के लिए ट्यूटोरियल रहेगा आज का, जिसमें कि ये मैं बेसिकली तीन मेथड्स बताऊंगा आपको। और जो गाइस ये अपहिल ड्राइविंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये जितना ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा उसमें उतना ईजी है। खासकर से डीजल गाड़ियों में बहुत ईजी होता है करना, क्योंकि टॉर्क इतना ज़्यादा होता है कि खाली क्लच छोड़ने पर भी आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ये है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है इसमें, तो मैं इसमें करके दिखाऊंगा आपको। बाकी इनमें थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी टेक्निक है तो आराम से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली टेक्निक की बात करते हैं, जिसमें कि खाली क्लच की हेल्प से हम उठाएंगे गाड़ी को। तो आप देख सकते हैं जैसे आप क्लच और ब्रेक पकड़ के खड़े रहेंगे चढ़ाई पर, तो ब्रेक छोड़ने पर ऑब्वियसली आपकी गाड़ी पीछे जाएगी। तो आपने ब्रेक नहीं छोड़नी है, पहले आपने धीरे धीरे क्लच छोड़ना है बाइटिंग पॉइंट तक। और जैसे ही थोड़ी सी वाइब्रेशन आपको फील होए उस पॉइंट पे, आपने जितनी डिले करेंगे उतनी ज़्यादा गाड़ी आपके पीछे जाएगी। तो आपको तुरंत उस टाइम ब्रेक से एकदम रेस शफल करके क्लच छोड़ते चल जाना और गाड़ी आपकी आगे बढ़ जाएगी। सो गाइस, मैं करके दिखाता हूँ आपको पहली वाली टेक्निक, जिसमें खाली क्लच की हेल्प से हम गाड़ी को उठाएंगे। तो मैं कर लेता हूँ गाड़ी को स्टार्ट, हैंड ब्रेक कर लेता हूँ मैं डाउन और फर्स्ट गियर एंगेज, देख सकते आप। अब देखना जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ूंगा गाड़ी पीछे जाएगी, देख सकते हैं आप। मैं ब्रेक छोड़ के दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं आप कितनी पीछे जा रही गाड़ी। तो अब हमने रोक दी गाड़ी, अब मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। तो हील आपने नीचे ही रेस्ट करनी है फ्लोर पे, और धीरे धीरे आपने अपना टो को ऊपर से छोड़ना है, इस टाइप से पाँव को छोड़ते रहना आपने धीरे धीरे जब तक बाइटिंग पॉइंट ना है। आप देख सकते हैं आप बाइटिंग पॉइंट आ चुका है, पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन हो रही है। इस पॉइंट पे क्या करना है, आपने ब्रेक छोड़ के तुरंत रेस देनी है और इस पॉइंट पे ज़्यादा होल्ड नहीं करनी गाड़ी, देख सकते हैं आप, और आराम से गाड़ी आपकी उठ जाएगी। एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको, ये छोड़ा हमने क्लच, आरपीएम भी ड्रॉप हो रही है इस टाइम क्योंकि गाड़ी बिल्कुल बंद होने वाली है। और इस तरह से आप उठा सकते। तो ये था मेथड नंबर वन, पीछे ले लेते हम गाड़ी। अब सिखाता हूँ मैं आपको हैंड ब्रेक वाला मेथड, जो कि है मेथड नंबर टू। उसमें क्या करना है, आपने हैंड ब्रेक लगा लेनी है, फर्स्ट गियर एंगेज्ड है। अब आप ब्रेक छोड़ सकते हैं क्योंकि हैंड ब्रेक पे रुकी हुई है गाड़ी। अब क्या करना है, आपने थोड़ा सा एक्सीलेटर करके रखना है लगभग 2000 RPM तक, देख सकते हैं आप। फोकस हो जा, हो गया। उसमें क्या करना है, आपने एक्सीलेट करके रखना है और बाइटिंग पॉइंट तक क्लच छोड़ रखना है। और जैसी गाड़ी आपका जोर लगाएगी आगे बढ़ने का, आपने हैंड ब्रेक छोड़ देनी और आपकी गाड़ी आराम से आगे बढ़ जाएगी। मैं एक और बारी करके दिखाता हूँ आपको, फर्स्ट गियर लगा हुआ है, हैंड ब्रेक एंगेज्ड, ब्रेक आप छोड़ सकते हैं, पूरा क्लच दबा हुआ है अभी। अब क्या करना है, रेस दे देनी है आपने और बाइटिंग पॉइंट तक क्लच छोड़ना है। और जैसी गाड़ी जोर लगा रही है आगे बढ़ने का, हैंड ब्रेक डाउन कर देनी है और 1 इंच भी आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। तो गाइस, अब करते हैं थर्ड मेथड की बात, जो कि मोस्ट फेमस है खासकर हिमाचल में, और कहीं भी आप ज़्यादा स्लोप वाले रीजन में रहते हैं तो वहाँ पे यही मैक्सिमम यूज़ करते हैं, खासकर हैवी व्हीकल्स वाले भी। तो इसका नाम है गाइस हील टो मेथड, और क्रॉस पैडल भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो हील टो वाले मेथड में गाइस आपने क्या करना है, एक ही पाँव से आपने ब्रेक और रेस को कंट्रोल करना होता है। और लेफ्ट से तो ऑब्वियसली क्लच पकड़ रखेंगे आप, राइट से आप या तो टो को अपना आप इस टाइप से रेस पे रख सकते हैं और हील को ब्रेक पे, या फिर आप टो को आप ब्रेक पे रख सकते हैं और हील को रेस से, इस टाइप से आप स्विच कर सकते हैं ब्रेक और रेस के बीच में, जिसमें कि आपकी कार 1 इंच भी बिल्कुल पीछे नहीं जाएगी। तो अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, कर दें ऑन। हैंड ब्रेक कर लेते नीचे, फर्स्ट गियर एंगेज है। तो इसमें क्या करना है आपने, मैं पहले आपको इस वाले तरीके से करता हूँ, जिसमें कि आपका टो रेस पे जाएगा और हील ब्रेक पे रहेगी। तो इस स्टेप से देख सकते हैं आप, इतना दिख नहीं रहा है पर मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की,
तो क्या करना है, पहले आपने क्लच छोड़ना है धीरे धीरे बाइटिंग पॉइंट तक। बाइटिंग पॉइंट आ चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ से मैं रैप भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या करना है, आपने पूरी गाड़ी तैयार आगे बढ़ने को, एकदम से ब्रेक से इधर स्विच कर जाना है और गाड़ी आपकी बढ़ जाएगी। एक और बारी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ब्रेक पे पैर है आपने इस टाइप से, टो अपना रेस पे ले जाना है, हील से भी ब्रेक पकड़ी हुई है और मैं रैप भी कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा क्लच उठाना है अपने बाइटिंग पॉइंट तक, इस पॉइंट पे गाड़ी बढ़ने के लिए तैयार है और आपने इस टाइप से उठा देनी गाड़ी। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें दूसरा वाला मेथड, जिसमें कि आप जो है अपना टो ब्रेक पे रखते और हील से रैप करते इस टाइप से, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये मैंने क्लच छोड़ा, देख सकते हैं बाइटिंग पॉइंट तक, और इस टाइप से रैप भी कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं आप रैप हो रहा है, और इस टाइप से आप उठा सकते हैं। अगर लूज ग्रेवल है तो आपने ज़्यादा रैप नहीं करना है, नहीं तो स्किट भी हो सकती है गाड़ी। तो यही थे तीन मेथड्स, बाकी देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा चढ़ाई आगे, कितनी कैमरा में पता नहीं चल रही है पर काफ़ी ज़्यादा स्लोप है। तो बेस्ट मेथड तो हील टो वाला ही रहता है, जिसमें से कि आप आराम से पिक कर सकते हो और आपकी गाड़ी पीछे भी नहीं जाएगी। और ये चीज़ है जो ये एकदम से वीडियो देख के नहीं आती है, आप चाहे 10 वीडियो देख लो यूट्यूब पे आपको नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये वाली चीज़ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ आती है। सो गाइज़ यही था आज की वीडियो में, और मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप अपहिल ड्राइविंग या इस टाइप से प्रैक्टिस करें इस चीज़ को, तो कहीं खाली स्पेस में प्रैक्टिस करें ताकि कोई मिसअप वगैरह ना हो, किसी सेफ एनवायरनमेंट में आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर ज़रूर करना, बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये थी आप, ये स्लोप आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लोप है, मतलब कैमरे में तो इतना नहीं दिखता। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।